આગળ વાત કરીએ સુરતની તો સુરતમાં મેટ્રોના બની થયા છે બે કોરિડોર. સરથાણેમાં ડ્રીમ સિટી વચ્ચે 21.61 કિલોમીટરના રૂટ પર બનશે 6.47 કિલોમીટરના રૂટ. અંડરગ્રાઉન્ડ રહેશે ત્યારે કાપોદ્રાથી ચોક બજાર સુધી અંડરગ્રાઉન્ડમાં 6 સ્ટેશન બનશે. સરથાણાથી ડ્રીમ સિટી વચ્ચેનો કોરિડોર ડાયમંડ કોરિડોર તરીકે ઓળખાશે, ત્યારે બીજો કોરિડોર વહેસાણથી સારોલી વચ્ચેનો બનશે. આ કોરિડોર 16 કિલોમીટરનો રહેશે, જ્યારે માર્ચ 2025 સુધીમાં બંને કોરિડોર શરૂ કરવામાં આવશે. સરથાણાથી ડ્રીમ સિટીનો કોરિડોર ડિસેમ્બર 2023 સુધીમાં શરૂ કરાશે. मैंने आपको ब्रीफ करा था, ये जो अभी हमारा आप यहाँ पे खड़े हैं ये कपोदरा स्टेशन है. तो ये अंडरग्राउंड का हमारा पहला स्टेशन है. यहाँ से हम लोग कपोदरा से शुरू कर रहे हैं अपना अंडरग्राउंड का काम और ये चौक बाज़ार तक जाएगा. तो इसके अंदर जो हमारा पहला पैकेज है वो पैकेज कपोदरा से लेकर के सेंट्रल वेयर हाउस तक है. तो इस वाले पैकेज में जो हमारी टोटल टनल है दोनों मिला करके अप और डाउन लाइन, तो ये तकरीबन 5 किलोमीटर के करीब है. तो उसमें से 1.5 किलोमीटर हम ऑलरेडी कर चुके हैं और प्रतिदिन दोनों टनल के अंदर हमारा 8 से 10 मीटर हम लोग आगे काम कर पा रहे हैं. तो हमारी उम्मीद है कि हम बाय दिसंबर ये दोनों टनल कंप्लीट कर लेंगे. फर्स्ट फेज खत्म होने या पूरा कंप्लीट होने में कितना वक्त? फेज वन के लिए जो, क्योंकि ये जो है प्रोजेक्ट है ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, तो जैसे अभी हम लोग सिविल काम कर रहे हैं तो उसके बाद में ट्रैक्शन और बहुत सारे MEP वगैरह के काम भी रहते हैं. तो ये हमारा टारगेट है कि हमारा December 24 तक ये हमारा फेज वन कंप्लीट हो जाएगा. ये डायमंड कॉरिडोर है कहाँ तक, कहाँ से कहाँ? तो ये डायमंड कॉरिडोर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारा नॉर्थ में सरथाना से लेके साउथ में ड्रीम सिटी तक है और ड्रीम सिटी में ही हमारा एक इस लाइन को सपोर्ट करने के लिए डिपो भी बन रहा है. उस कॉरिडोर भी बन, जो सेकंड कॉरिडोर है उसका काम भी शुरू हो गया है. तो वो हम टेक्सटाइल कॉरिडोर बोलते हैं, वो आपका बेसन से लेकर के अपना सरोली तक है. तो उसका जो डिपो है वो भी हमारा बेसन में है. મેટ્રોની જે કામગીરી છે તે ફૂલ જોશમાં ચાલી રહી છે. આ મેટ્રોની જે કામગીરીના દ્રશ્યો બતાવવા માંગીશ કે જે સરથાણાથી જે ગ્રીન સિટી છે ત્યાંનો જે આ મેટ્રોનું જે કોરિડોરનું કામ છે તે ફૂલ જોશમાં ચાલી રહ્યું છે અને સંપૂર્ણપણે અહીંયા જે દ્રશ્યોમાં દેખાઈ રહ્યું છે એ પ્રમાણે જે કામગીરી છે તે જોવા મળી રહી છે. હાલ આપણી સાથે અધિકારી છે મેટ્રોના, એમની સાથે વાત કરીએ. જી સર, કેવી રીતે ક્યાં હે ક્યાં પૂરી જો મેટ્રો કી કામગીરી ક્યાં હૈ? अभी हमारा एक्चुअली स्टेशंस है पूरे जो अंडरग्राउंड स्ट्रेच है उसमें 6 स्टेशंस हैं और 6.4 किलोमीटर का टनलिंग है. अभी हमारा UG1 में 30% टनलिंग हो चुका है और उसके बाद जो हमारा जो फाइनल ब्रेक थ्रू होगा वो होगा सूरत स्टेशन में. कैसी कामगिरी है और क्या लोगों को क्या बताया जाए, ये कामगिरी कब तक पूर्ण होगी उसके बारे में सर आपको ऊपर बता देंगे. क्योंकि एक्चुअली हमारा जो भी आप टनल की बात कर रहे हैं तो सब कुछ स्टेटा पे डिपेंड होता है क्योंकि आगे से हमारा क्या स्टेटा हम इसको एक्सकेवेट कर रहे हैं, हमारी उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन रेट आती है कि हमारा कितना आएगा. 8 से 12 मीटर के बीच में रहता है हमारा प्रोडक्शन रेट, वो उस पर डिपेंड करता है कि हमारी प्रोग्रेस कैसे आएगी. लगभग सूरत में ये टनल है कितनी तैयार हो चुकी है, क्या है क्या? मैंने आपको अभी बताया कि जो UG1 है इसमें 30% टनलिंग हो चुकी है. UG2 में जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है. अभी हमारा TBM रेलवे स्टेशन, सूरत रेलवे स्टेशन के नीचे से पास होगा. જી બિલકુલ થી આ રીતે દ્રશ્યો છે જે અધિકારીઓ છે તે સરથાણા ગ્રીન સિટી જે કોરિડોર છે તે સંપૂર્ણપણે જે બનીને જે તૈયાર થઈ ચૂક્યો છે. રાહુલ મકવાણા, KTV News સુરત. મેટ્રોની જે કામગીરી